محمد المصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين المتين الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت کے ساتھ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. ویسے بھی آخری عشرہ ہے اور پھر رمضان المبارک کی یہ راتیں اس میں جاگنے کی ایک اپنی فضیلت ہے. اللہ کے گھر میں بیٹھ کے ذکر خدا ذکر مصطفیٰ کرنا تو یہ بڑی سعادت کی بات ہے. آپ نے شرمانا نہیں, بالکل درود شریف پڑھے صلی اللہ علیہ یا کے بعد معزز و محترم سامعین حاضرین,
बिलखुसूस कैफी फरमा मसल के आल सुन्ना व जमात के उलमाए किराम हुफाज़े किराम कुर्राए किराम सनाखाना ने रसूल बहुत सारे नाम हैं। अगर मैं सबके नाम लूं तो एक वक्त दरकार है, तो मैं चाहता हूं सबको इज्तिमाई तौर पे शुक्रिया भी अदा कर रहा हूं और सारे मेरे सरों के ताज हैं। अल्लाह ताला सबका आना अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। आज खत्मे कुरान मजीद की तकमील हुई और इस मौका पर हम मौजूद हैं। अल्लाह ताला अलिफ लाम से वन नास तक जो कुरान पढ़ा गया उसके एक एक हर्फ के सवाब में हम सबको शामिल फरमाए। ये दौर ऐसा जा रहा है कि कोई घर ऐसा नहीं है जिसमें कोई परेशानी ना हो, किसी की कोई फिक्र ना हो, किसी को कोई गम लायक ना हो। अगर बीमार नहीं है तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम होगा, वो नहीं है तो रिहाइश का मसला होगा, वो नहीं है तो जॉब का मसला होगा, कुछ ना कुछ जरूर मसाइल है। लेकिन मसाइल का हल मैं भी तलाश करता हूं, आप भी तलाश करते हैं। हो सकता है कि हमसे डायरेक्शन में भी गलती हो रही है, हो सकता है उसके इंतखाब में हमसे गलती हो रही है, जिस वजह से वो दर खुल नहीं रहा। याद रखें, जिस शहर में जाना हो, जिस इलाका में जाना हो, तो सबसे पहले उसकी मालूमात होना जरूरी होती है ताकि बंदे को पता हो कि मैंने फलां जगह पे जाना है। और उसके लिए कन्विंस मेरे पास ये होनी चाहिए, सफरी अखराजात इतने होने चाहिए, तब जाके बंदा मंजिल पे पहुंचता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर बंदे ने लाहौर जाना है तो वो कश्मीर की गाड़ी पे बैठ जाए, सारी जिंदगी गाड़ी चलती रहे, वो लाहौर नहीं पहुंचेगा। क्यों? कि उसने इंतखाब गलत कर लिया है, ऐसी गाड़ी पर बैठ चुका है जो मंजिल पे जाने वाली नहीं है। अब मसाइल तो है, तो मसाइल हल कैसे होते हैं? उसके लिए कुरान और हदीस ने हमें बताया कि मसाइल हल होने के लिए दो दरवाजे रखे गए हैं, एक दरे खुदा कहलाता है, दूसरा दरे मुस्तफा कहलाता है। जब तक बंदा इनसे मुंसलिक नहीं होता, जब तक बंदा इससे मजबूत नहीं जुड़ता, तब तक उसके लिए ये दरवाजा खुलता नहीं है। क्योंकि आपको पता है, मैं एक और आसान मिसाल पेश करूं कि ताले तो सारे ही होते हैं, पर क्या सारे तालों को एक ही चाबी लगती है? आप कहेंगे नहीं जी, हर ताले की अपनी चाबी होती है। आप मेन गेट खोलेंगे उसकी अलग चाबी है, हालांकि शक्ल तो वही है, ताला भी वैसा है, चाबी भी वैसी है। अगर आप रूम में जाना चाहते हैं उसके लिए अलग लॉक है, फिर अंदर जाके आप जिस अलमारी से, जिस कबर से, जिस लॉकर से आप कोई चीज लेना चाहते हैं उसकी अलग चाबी है, तो ये सारी चीजें खुलती हैं अलग अलग चाबियों से। तो अब हमें भी वो वास्ते वो जरिए ढूंढने पड़ेंगे कि जिन तक हम पहुंच जाए, जिनका दामन हम पकड़ लें, तो हमें दरे मुस्तफा मिल जाएगा। और जब दरे मुस्तफा मिलेगा तो फिर दरे खुदा मिलेगा। तो कुरान और अली, ये दो चीजें हमारे लिए बड़ी अहम है। और मैं चाहूंगा कि वही बात की जाए जो मेरे और आपके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई है। अहदीस मुबारक की कुतुब के अंदर, बुखारी शरीफ के अंदर, मुस्लिम शरीफ के अंदर, इब्ने माजा के अंदर, तिर्मिजी के अंदर, सुनन अबू दाऊद शरीफ के अंदर, और कुतुब हदीस और सीर के अंदर, तारीख अल खुलफा के अंदर, सवाइक अल मुहर्रका के अंदर, इन तमाम कुतुब के अंदर जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन है, अगर हम उनको देखें तो हमें पता चलता है कि इनका रिश्ता आपस में कितना मजबूत है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, इन्नी तारिकुन फीकुम सकलैन, मैं तुम्हारे अंदर दो चीजें छोड़ के जा रहा हूं। ये हुजूर ने फरमाया जिनका हम कलमा पढ़ते हैं। मेरे आका सैयद कौन है? ताजदारे कायनात, सैयद अरब वल अजम,
नबी ए मुकर्रम शफी ए मुअज्जम ताजदार ए कायनात हुजूर नबी ए मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया इन्नी तारिकुन फीकुम सकलैन। फरमाया मैं दो चीजें तुम्हारे दरमियान छोड़ के जा रहा हूँ, एक किताबुल्लाह दूसरी वही तुलती, एक अपनी औलाद छोड़ के जा रहा हूँ दूसरा कुरान छोड़ के जा रहा हूँ। हुजूर हमने करना क्या है? और मैं मेरी आले बेद तुम्हारे पास है और दूसरा कुरान तुम्हारे पास है। करना यह है जब तक इन दोनों का दामन थाम के रखोगे मैं मुस्तफा कह रहा हूँ कभी गुमराह नहीं होगा। अब कोई बंदा कहे कि मुश्किल है, इधर जाता हूँ अपनी कहानी है, उधर जाता हूँ अपनी कहानी है, इधर जाता हूँ बंदे अपने दलाल ले रहे हैं, उधर जाते हैं जी किधर मर्दियों के झगड़े जाए किधर, उस बंदे को हम एक ही कहेंगे कि डरे मुस्तफा थाम के बैठ जा, हुजूर के फरमान को पकड़ के बैठ जा। ये फरमान बता रहा है कि जब तेरे एक हाथ में दामन कुरान होगा और दूसरे हाथ में आले बेत धार का दामन होगा, फिर रसूलुल्लाह फरमा रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मैं तुझे गारंटी दे रहा हूं तू कभी गुमराह नहीं हो सकता है। क्योंकि मैंने इस मौजू का इंतखाब इसलिए किया खत्म कुरान भी है और साथ हजरत परबुरदाए आगोश रसूल बरादर रसूल शहनशाह विलायत हैदर करार असदुल्लाह खालिद अला खालिद कुल खालिद इमाम المشارق والمغارب हुजूर सैयदना व आकाएना अमीर المؤمنین खलीफत المسلمین खलीफा राशिद हजरत सैयदना अली المرتضی अली इब्न अबी तालिब रजी अल्लाह तआला अन्हु व अलैहि सलाम का यौम शहादत भी है। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया या अली, ए अली मैं देख रहा हूं कि ये अल अली महल कुरान बल कुरान महाली है, कहा मैं देख रहा हूँ कुरान अली के साथ है, अली कुरान के साथ है। हुजूर कब तक? मदीने तक या मक्का तक या वहां कूफा तक? फरमाया नहीं मैं देख रहा हूँ रोजे कौसर पर भी जब अली आएगा इस शाम से कुरान अली के साथ होगा, अली कुरान के साथ होगा। और करना मुसलमानों अल्लाह करीम ने हमें इतनी शान वाली किताब अता फरमाई है जिसके बारे में अल्लाह कुरान हकीम में खुद ऐलान कर रहा है अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। अपनी साथ के लिए अपने नफ्स के लिए दुनिया के चंटकों के लिए अल्लाह के कलाम के अंदर तहरीफ कर दी, उसे बदल डाला, उन हुक्मों को तब्दील कर दिया। अल्लाह करीम उनसे नाराज हुआ, उन कौमों पर अल्लाह का अज़ाब उतरा। पर ये वाहिद अल्लाह का कलाम कुरान मजीद है, जैसे मेरे तेरे नबी किताबों का सरदार है। और इसके लिए अल्लाह ताला खुद फरमा रहा है और मैं ऐसी किताब है जिसके अंदर कोई शक नहीं है, जैसा हुजूर के सीने पर उतरा आज भी हमारे पास मौजूद है। और फिर हमारे पास कितना बड़ा पैकेज है कि हम कितनी नेकियां कमा सकते हैं। और मैं अगर कोई अलिफ लाम मीम भी पढ़ता है तो अल्लाह ताला उसे 30 नेकियां अता फरमाता है। और फिर इस
इसके अंदर अल्लाह ताला इजाफा फरमाता है तो कुरान मजीद को पढ़ना सीखना चाहिए, ना आता हो तो कोशिश करनी चाहिए, ट्राई करनी चाहिए, बार बार समझना चाहिए और इसमें अमल करने की कोशिश करनी चाहिए। आज अगर गवर्नमेंट कह दे, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि आज अगर गवर्नमेंट कह दे जिस बंदे को कुरान आता होगा तो हम उसे 1,00,000 रुपए इनाम में देंगे, तो आप देखें लोगों की थोड़े लग जाए। सुबह भी कुरान हाथ में लेकर मस्जिदों के बाहर खड़े हो, दिन को भी कुरान लेके खड़े हो, ट्यूटर ढूंढ रहे हो, टीचर ढूंढ रहे हो, उलमा कुर्रा ढूंढ रहे हो कि हम जल्दी से इसे याद कर लें, पढ़ लें, समझ लें और जाकर मुतालबा करें, ये नहीं जनाब हमें आता है हमें इनाम दिया जाए। पर याद रखें ये दुनिया का इनाम है। जब कोई कुरान पढ़ लेता है, समझ लेता है, हिफ्ज कर लेता है तो उसके लिए हुजूर फरमाते हैं मैं तुझे बताऊं तुझे आखिरत में अल्लाह क्या इनाम देगा, सुभान अल्लाह, उसके लिए कितना बड़ा इनाम है। मेरे आका सैयद कौनैन ताजदारे कायनात इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, फरमाया कयामत के दिन अल्लाह हाफिज़े कुरान को बुलाएगा, हाफिज़े कुरान हाजिर हो जाएगा, अल्लाह की बारगाह में मौजूद होगा, अंबिया भी मौजूद है, मुर्सलीन भी मौजूद है, सहाबा भी मौजूद है, आले बैत अज़हार भी मौजूद है, औलिया किराम भी मौजूद है, गौस कुतुब अब्दाल भी मौजूद है, सारी दुनिया देख रही होगी, अल्लाह करीम हाफिज़े कुरान से फरमाएगा ए हाफिज़े कुरान मैं तुझे हुक्म देता हूँ मेरे कुरान की तिलावत शुरू कर और जन्नत की सीढ़ियां चढ़ना शुरू कर दे। या अल्लाह करीम किस हद तक किसने जाना है, कितना बुलंदी पे जाना है, कितने आला मुकाम पर जाना है, हुक्म होगा अल्लाह का कुरान पढ़ता जा, जन्नत की सीढ़ियां चढ़ता जा, जिधर अल्लाह के कुरान की तिलावत का इख्तिताम होगा वही तेरा मुकाम होगा। अब्बा से कह सुभान अल्लाह, ये कुरान की बरकतें। हम पस्ती की तरफ कहां आए, अल्लामा इकबाल ने कहा था वो मुअज्जज़ थे जमाने में, वो मुअज्जज़ थे जमाने में मुसलमान होकर हम तार के हम खार हुए तार के कुरान होकर, फरमाया जो मुसलमान की इज्जत का राज था, जो मुसलमान के वकार का राज था, जो मुसलमान की शान का राज था वो ये था कि वो कुरान से जुड़े हुए थे। और जब से हम कुरान से दूर हुए, दीन से हमारी दूरी आई है, उस वजह से घरों में बेबरकती होगी, हालात हमारे अबतर होते चले गए। याद रखें आज तक कोई बंदा नहीं दिखा सकता कि जिसने अपने बेटे को हफ्ज़े कुरान बनाया हो, जिसने अपने बेटे को इमाम मस्जिद बनाया हो, जिसने अपने बेटे को आलमे दीन बनाया हो, जिसने अपने बेटे को मुफ्ती बनाया हो, दीन का खादिम बनाया हो, तो उसकी दुनिया में रसवाई हुई हो या आखिरत में उसके साथ कम किसी दर्जे का वादा हो, याद रखें ये सिर्फ हमारे वसवसे हैं। शायद उसको मैंने दीन की तरफ लगा दिया तो कमाएगा क्या, खाएगा कहां से, सिलसिला कैसे चलेगा। याद रखें जो अल्लाह हमें कुरान से मुंह मोड़ कर फिर भी दे रहा है, जो अल्लाह हमें मस्जिद से नाता तोड़ के फिर भी दे रहा है, जो अल्लाह हमें दीन से दूर होने के बावजूद भी दे रहा है, वो अल्लाह हमें दीन में भी अता करेगा, कुरान की मोहब्बत में भी अता करेगा। इसलिए हुक्म है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं तुम्हें कहता हूँ तीन चीजें अपनी औलादों को जरूर सिखाओ। पहली चीज सरकार ने फरमाया मेरी मोहब्बत अपनी औलादों को सिखाओ, दूसरा फरमाया मेरी आले बैत की मोहब्बत सिखाओ, तीसरा सरकार ने फरमाया कुरान की तिलावत सिखाओ। फरमाया जब ये चीज सिखा जाओगे फिर तुम लोग समझ जाओ कि अगर मर भी जाओगे अल्लाह कब्रों में भी तुम्हारे दर्जे बुलंद फरमाता रहेगा। तो सामने जी वकार कुरान मजीद की अजमतें शाने उतबा बिन रबी ये कुफार की तरफ से नुमाइंदगी करने के लिए हुजूर के पास आता है, कहते हम परेशान है कि जो बंदा मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास जाता है उन्हीं को हो जाता है, कुरान सुनता है उसमें असर हो जाता है, उन्हीं की बातें करना शुरू कर देता है,
उत्पत्तों में जाओ, जाकर उनसे मुलाकात करो। अगर दौलत चाहिए हम दौलत का ढेर लगा देते हैं, मनसब चाहिए तो बादशाह बना देते हैं, अगर हुसन की तलब है तो सबसे असीम खातून से निकाह करवा देते हैं, और सिर्फ मुतालबा यह है कि दीन की तबलीग कर रही है छोड़ दो, कुरान जो लोगों को सुना रही है छोड़ दो, जो बगैर निकाब के बाहर निकलते हुए निकलना छोड़ दो, क्योंकि जो रुखे मुस्तफा देख लेता है वो दुनिया का नजारा भूल जाता है। क्योंकि हुजूर को लोग देख के कलमा पढ़ रहे थे, सिर्फ चेहरे वक्त हाथ देखते थे और कलमा पढ़ना शुरू कर देते थे। जब आकर ये मुतालबा किया सरकार ने बात सुनी, उसके बाद हामीम अस्सजदा की कुछ आयात पढ़ी, उत्बा का सर झुकते झुकते घुटनों के साथ लगना शुरू हो गया, खामोश हो गया, उठ के चला कुफार की सभा की तरफ। बाग का सारे आते हैं और आकर ये सुनना चाहते हैं कि ये क्या पैगाम आया है और किस बात पे उनको राजी करके आ रहा है। जब ये सर झुको और उनको देखा मायूस हो गए, कहा क्यों? कहने लगा मैं तुम्हें एक ही मशवरा देता हूँ, कुफर पे रहते हो तो कुफर पे ही रहो और मोहम्मद को ना छेड़ो, वो जिस काम पे लगे उनको लगे रहने। अल्लाह अकबर, ये वो कुरान था। इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़लना अला अब्दिना बिसूरतिन मिन मिस्लिही वद्उ शुहदाकुम मिन दूनिल्लाह। जो कुरान में इतना बड़ा फैसला किया था कि तुम इस जैसा ला ही नहीं सकते, जब कुरान जैसा नहीं ला सकते तो साहिब कुरान जैसा कौन ला सकता है? सामने दी बकार, ये कुरान में बात होगी, क्योंकि कुरान और अली का आपस में बड़ा रिश्ता है। हजरत मौला अली पाक रजी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत ख्वाजा अबू तालिब रजी अल्लाह तआला अन्हु के फरजंदे अर्जुमन है, और आपकी वालिदा मायदा का नाम फातिमा बिनत असद सलामुल्लाह अलैहा है, और आपकी विलादत काबतुल्लाह शरीफ के अंदर होती है। बचपन आपका रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक्दस के अंदर गुजरता है, और जब जवानी के आलम में आते हैं तो बचपन में ही आपने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाया और आपके साथ नमाज अदा की, सरकार से तरबियत हासिल की। उठते तो हुजूर को देखते, जागते तो हुजूर को देखते, चलते तो हुजूर के साथ, बैठते तो हुजूर के साथ, खाते तो हुजूर के साथ, पीते तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। इतना कुर्ब और इतनी मालिक के दो जहान ने आपको इज्जत और एजाज अता फरमाया कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक फरमा दिया, और मैं अली अंता खिफत दुनिया वाला आखिरा, अली तो दुनिया में भी मुझ मुस्तफा का भाई है, आखिर में भी मुझ मुस्तफा का भाई है। ये मैं आपको रसूलुल्लाह का फरमान सुना रहा हूँ, ताजदारे कायनात के जुमले सुना रहा हूँ, और जिस वक्त तबूक का मौका आता है सारे से सहाबा की ड्यूटियां लग जाती हैं, मौला अली पाक तशरीफ लाते हैं, अर्ज करते हैं हुजूर मैंने सुना है कि आपने मेरे लिए इंतखाब किया कि मैं जंग में नहीं जा रहा, और अहले खाना आले बेदियत हार के पाक दामन बीबियों की हिफाजत के लिए यहाँ मौजूद रहूंगा और आपका नायब होकर यहाँ पे मौजूद रहूंगा। सरकार ने फरमाया हाँ। मौला अली ने अर्ज किया हुजूर मैं तो जंगजू हूँ, अल्लाह ने बहादुरी भी दी है और आपके जुबान से शेर खुदा का लकब भी पा चुका हूँ, हमेशा ये तमन्ना करता हूँ तलवार हाथ में लेकर अल्लाह के नाम की बुलंदी के लिए और रसूलुल्लाह के नामूस की हिफाजत के लिए कुफार के सामने मैदान जंग में पाया जाऊं, या खुद मनसबे शहादत पर फायद हो जाऊं, या कुफार को गाजर मूली की तरह काट के वास में जहन्नम करता रहूं, मुझे तो साथ जाना चाहिए। अब सरकार ने जो जुमला फरमाया वो अर्ज करने लगा जो आपके एक और शान को बढ़ा रहा है। सरकार ने फरमाया ली इस बात में राजी नहीं हूं, तुम्हें ऐसे पीछे छोड़ के जा रहा हूं जैसे मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम को छोड़कर गया, लेकिन फर्क यह है कि ला नबी बादी मेरे बाद कोई नबी नहीं है। आपको ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शान अता फरमाई। खैबर की बात करके बात खत्म करते हैं। खैबर कई दिनों से पता नहीं हो रहा, यहूद पूरे पावर के साथ किले के अंदर मौजूद है और हर रोज ये बातें की जाती हैं कि हमारे बड़ों ने खैबर इतना मजबूत बनाया है, इतनी दिफाई पोजिशन मजबूत है, ना कोई फलांग के अंदर आ सकता है, ना दीवारों को चढ़ के आ सकता है, और दरवाजा इतना मजबूत है इसे कोई हिला भी नहीं सकता, और तोड़ना तो दूर की बात है। अब ये हर रोज बड़े इत्मीनान से ले रहे हैं,
कई दिनों से इस्लामी फौज आके हमला करती है और वापस आ जाती है, किला फतह नहीं हो रहा। एक दिन जब से सहाबा किराम आए तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आज सुकून नाल सो जाओ। हुजूर फरमाया आज सो जाओ क्योंकि कल मैं झंडा इस्लाम को उस बंदे के हाथ में दे रहा हूं जिससे अल्लाह भी प्यार करता है, अल्लाह के रसूल भी प्यार करता है। ये पहली डिग्री है, डिग्री यूनिवर्सिटी डिग्री दे तो लोग फखर करते हैं, गवर्नमेंट अगर सर्टिफिकेट दे लोग फखर करते हैं, टीम पाकिस्तान अगर कोई सर्टिफिकेट दे लोग फखर करते हैं कि हमारा इतना बड़ा वर्क था। जी देखें आज भी उन्हें दो जबले कहें ये बंदा बड़ा वर्क कर रहा है लोग बताते फिरते हैं, और लाखों करोड़ों पीएम भी रसूलुल्लाह की ज्योति की खाक पे कुर्बान। ये उनकी जुबान से फरमान जारी हो रहा है और मैं कल झंडा सुबह उस बंदे को दूंगा जिससे अल्लाह भी प्यार करता है, अल्लाह का रसूल भी प्यार करता है। एक डिग्री। दूसरा जुमला फरमाया वो बंदा अल्लाह से प्यार करता है, अल्लाह के रसूल से प्यार करता है। मतलब यह था कि वो मोहब्बत कर रहा है तो उसकी मोहब्बत भी वहां को बोल है। अब सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन ये फरमान सुन के मेरे नबी की जुबान से, जिन्हें पता था नबी जो जुमला कहते हैं वो हक होता है, नबी जो बात कहते हैं वो सच्ची होती है, क्योंकि नबी की जुबान अल्लाह की तरफ से वही होती है। अल्लाह तो कुरान कहता है की तरफ से उस पर खास करम होता है, यानी उस बात में अल्लाह भी राजी होता है, अल्लाह के रसूल भी राजी होते हैं। बस आखिरी बात कर रहा हूं, आपको शाने अली की अगर बात की जाए तो बातें कम पड़ जाती है, और उलमा कहते हैं कि 300 आयतें कुरान की शाने अली में उतरी, 300 आयतें, और खतीब एक आयत को मजमून बना के तकरीर जुमे पे शुरू करता है, घंटा गुजर जाता है अभी वो तश्री नहीं होती। किस अली की शान में 300 आयतें कि जो अली पाक खुद फरमाते हैं कि अगर मैं बिस्मिल्लाह, अल्लाह ने इल्म कितना दिया, आप फरमाते हैं अगर मैं बिस्मिल्लाह की जो पहली बा है उसकी तश्री लिखना शुरू कर दूं तो 70 ऊंटों का बोझ बन जाए, 70 ऊंटों का बोझ बन जाए और वो इल्म भी खत्म ना हो। उन अली पाक की बात कर रहा हूं, वो अली पाक जिनके लिए सरकार ने फरमाया या अली ला युहिब्बुका इल्ला मोमिन, अली तुझसे मोमिन के अलावा कोई मोहब्बत नहीं कर सकता, वला युबग़िज़ुका इल्ला मुनाफिक, और जो तुझसे बुग्ध रखेगा हुज़ूर फरमाते वो मुनाफिक है। यह हदीस हमारे नबी की है, वो हमें बता रहे ताकि हमारा ईमान खराब ना हो। अल्हम्दुलिल्लाह हम सारों को अल्लाह ताला ने मौला अली की मोहब्बत अता फरमाई। तो मैं बात कर रहा था कि सरकार ने फरमाया दो चीजें बता दी, कल खैबर पता होगा एक बार उसे झंडा दूंगा जो अल्लाह रसूल से मोहब्बत करता है, दूसरी बात उसे झंडा दूंगा अल्लाह रसूल भी उससे मोहब्बत करते हैं। तो सभी ने दिवकार ये कितनी बड़ी गलती थी। हजरत उमर फरमाते हैं मैंने कभी तमन्ना नहीं की मुझे ये मनसब मिल जाए, ये मुकाम मिल जाए, ये मर्तबा मिल जाए, पर इस रात मुझे भी नींद न आई। मैंने कहा ये कितनी बड़ी सनद है, कयामत तक के लिए उस बंदे के लिए कितनी बड़ी डिग्री है। तो आप कहते हैं मेरी भी तमन्ना हुई काश कल झंडा रसूलुल्लाह मुझे अता फरमा दे, और हम ये भूले नहीं है, ये हदीस मुबारक आज भी उम्मत याद रखे हुई है, और मिंबरों मेहराब की ये जीनत है, और कुतुबे हदीस के अंदर मौजूद है, जलील कदर अस्हाबे रसूल की ये तमन्ना थी, और रात को नींद आंखों में नहीं पड़ रही थी क्योंकि ये बहुत बड़ा एजाज था, बहुत बड़ी शान थी, बहुत बड़ा मर्तबा और मुकाम था। हर बंदा ये चाहता था काश ये इज्जत रसूलुल्लाह के हाथ से मुझे अता हो जाए। दूसरा दिन आ जाता है मेरे अका सैयद कौन अपने हुज
हुजरा नूर से बाहर तशरीफ रखते हैं, असहाबे रसूल सामने मौजूद है, इस्लामी फौज सामने मौजूद है, जानिशाने मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वली वसल्लम सामने मौजूद है। मेरे आका करीम ने अपने गुलामों का दायरा ना नजर डाली, मेरे आका करीम ने अपनी इस्लामी फौज के दस्तों को देखा, मेरे हुजूर ने अपने जानिशारान को देखा, अपने मुजाहिदीन को देखा। मेरे आका ने मुड़कर पूछा, फरमाया मुझे इनमें अली इब्न अबी तालिब नहीं नजर आ रहे, जरा पता करो आज अली किधर है। देखिए मौका था, उधर भी था, किसी और के हवाले ये जब कर दी जाती, लेकिन इस इशारे से पता चलता है कि ये मामला तय हो चुका था कि ये खैबर जो फतह होना है अली के हाथ से होना है। अब किसी ने कहा, हुजूर आशूबे चश्मे आंखें मुबारक दुख रही हैं, इसलिए मौला अली चल कर आ नहीं सकते, वो अपने खेमे में मौजूद है। अब हुजूर फरमा देते कोई और आ जाए, लेकिन मेरे आका ने फरमान जारी फरमाया, फरमाया मेरे सहाबियों जाओ जाकर खेमे से मेरे अली को हाथ पकड़ कर मेरी बारगाह में ले आओ। अब कैसा मंजर होगा, सारा लश्कर इस्लाम लेकर आए, अल्लाह की तवज्जो भी है, रसूलुल्लाह की तवज्जो भी है, मौला अली का हाथ पकड़कर सहाबी मुस्तफा मेरे आका की बारगाह में आ रहे। हुजूर ने फरमाया, या अली कैफा हालुका, ए अली तेरा क्या हाल है। हुजूर ने पूछा, अली कैसे हो, कितनी मोहब्बत हो, और मैं अली कैसे हो। अर्ज की, हुजूर आंखें दुख रही हैं। सरकार ने यूं अपना लुहाबे दहन निकाला, वो लुहाबे दहन अगर कटे हुए बाजू पे लग जाए तो बाजू जुड़ जाए, वो लुहाबे दहन जो खारे पानी के कुएं में डाल दिया जाए तो पानी जो है वो खारा पर खत्म हो जाए, हमेशा के लिए मीठा हो जाए। वो लुहाबे दहन जो हजरत कतादा की निकली हुई आंख पे कीला वापस रख के हुजूर लगा दें तो पता ना चले ये आंख कभी बाहर निकली हुई है या कि नहीं निकली है। वो लुहाबे दहन जो प्यारे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी इमाम हसन को अता कर रहे हैं और कभी इमाम हुसैन को अता फरमा रहे हैं, और उसका असर ये है कि मैदान करबल के अंदर भी उस लुहाबे दहन की बरकत से इतने बड़े लश्करे जब्बार और जुल्म के सामने और लश्करे जज्जार के सामने इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन के पांव के अंदर जुम्बश नजर नहीं आ रही है। अली मरकब सामीन, मेरे आका करीम ने लुहाबे दहन मौला अली पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मुबारक आंखों पे लगा दिया, और मैं अली आंखें खोलो सहते नहीं गए हो। चूंकि साल में एक मौका होता है मैं बात खत्म करने लगा हूँ, चेहरे तो मुझे नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन जब आप सुभान अल्लाह कहेंगे तो मुझे पता लगेगा आप यहाँ क्या भी फरमाए। अब मौला अली पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के चश्माने मुकद्दस पर लुहाबे दहन लगा दिया जाता है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली आंखें खोलो, मौला अली आंखें खोलते हैं, देख रहे हैं दाएं बाएं, मेरे आका के चेहरे पर दुहा को देख रहे हैं। हाँ ये वो आंखें जब दुनिया में आए तीन दिन आंखें नहीं खोली, तीसरे दिन मेरे आका तशरीफ लाए, मौला अली ने आंख खोली, मेरी नजर चेहरे पर दुहा पे डाली। हुजूर ने अली को देखा, अली ने चेहरे मुस्तफा करीम को देखा, और करो लोगो ये कैसी इज्जत है, ये कैसी शान है, ये कैसा मुकाम है, ये कैसा मर्तबा है जो अल्लाह करीम ने मौला अली को अता फरमाया। सारे सहाबा पे मेरी जिंदगी कुर्बान, सारे सहाबा पे हमारी जवानियां कुर्बान, सारे सहाबा पर सारी कायनात की रौनक है कुर्बान, पर मौला अली को अल्लाह करीम ने मेरे मुस्तफा करीम की बारगासी की शान अता फरमाई। सहाबा भी एहतराम कर रहे हैं, अल रसूल की ये इज्जत है,
ये भी बहुत बड़ा एक मुकाम दिया। अब मौला अली पाक को सरकार में जब आंखें दुरुस्त होगी, और ये कितना बड़ा जुमला होगा रात को शाम बता चुके हैं, पर मैं अली ये झंडा पकड़ो, झंडा पकड़ो। मौला अली के हाथ में वो झंडा दिया और फरमाया जाओ खैबर तुम्हारा इंतजार कर रहा है, जाओ खैबर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मौला अली पाक लश्कर इस्लाम का झंडा लेकर शेरे खुदा जब चलते हैं, लोगों मुझे रब्बे काबा की कसम है, गुम्बदे हजरा के हसी रंग की कसम है। जब मौला अली मैदान में जाए, काफिर पहले पूछा करते थे मुसलमानों तुम्हारी सफा में आज अली है या के नहीं है, अगर पता चले कि अली मौजूद है तो वो पहले फैसला दे देते थे कि आज पता जो है मुसलमानों के नाम है। वो मौला अली पाक जब खैबर की तरफ चले, यहूदियों को पता चला आज शेरे खुदा सामने आ चुका है, उन्होंने अपना सबसे बड़ा बहादुर नौजवान मरहब मैदान में उतारा और बड़े फखर से तय करें अब अली का महाज अल्लाह मुकाबला करेगा। हो सकता है मौला अली की कस्त खा जाए, क्योंकि मरहब वो जनाइन मरहब वो मर्द है जो 1000 मर्दों के मुकाबले में मैदान में उतरता है। वो कहता है ये मेरा दावा है, 1000 नौजवान बहादुर जंगजू मेरे मुकाबले में लाओ, फिर देखो मेरी जुर्रत को, फिर देखो मेरे मुकाबले को, फिर देखो मेरी बहादुरी को, मैं कैसे लड़के दिखाता हूँ। उसका बड़ा दुनिया में नाम है, पर मरहब को क्या पता आज जो मेरे सामने है ये सिर्फ आम इंसान नहीं है, ये शेरे खुदा है। आम शेर अगर कहीं किसी जगह पे हो तो कोई बंदा चुसकता नहीं है, लोग डरते हैं, वहां की मखलूक डरती है, और जो शेर खुदा हो, क्योंकि ये हमारे मोमिन होने की गारंटी है कि हम जिक्र अली सुन के खुश हो गए, क्योंकि ये मैंने कह रहा हुजूर का फरमान है, और मैं जो अली का जिक्र सुन के खुश हो जाए वो मोमिन है। समीन ने वकार जब मरम सामने आया, बड़ी बड़ी डींगे मारने लगा, मैं ये हूँ वो हूँ फला हूँ फला हूँ, कहने लगा आप कौन? आपने फरमाया मैं अली बिन अबी तालिब हूँ। अच्छा कहा मुझे शेर खुदा कहते हैं। कहने लगा अच्छा मेरे फिर आप बात कर। उसने कहा आप तो मुझे बच्चे लग रहे, मैं बच्चों से नहीं लड़ता। तो आपने कहा मैं तो दुश्मन खुदा और मुस्तफा से लड़ता हूँ, उनके लिए कहर हूँ। कहने लगे मौला अली पाक ने फरमाया तीन बातें मैं हमेशा कहता हूँ, बंदा तेना जो है मान ला हुआ था ठीक है। कहने लगा क्या बातें? फरमाया पहली बात यह ईमान गया। उसने कहा ये तो हो नहीं सकता, मैं वापस कैसे जाऊंगा, किले वाले मुझे बुज़दिल कहेंगे, मैं ईमान मानता ही नहीं, मैं अल्लाह रसूल को मानता हूँ, ईमान कैसे लाऊं? अब इस चीज से इनकार हो गया। मौला अली ने फरमाया अच्छा दूसरी बात यह, वापस चला जा। दूसरी बात क्या है? वापस चला जा। उसने कहा वापस जाऊंगा तो बुज़दिल का कहलाऊंगा, वापस नहीं जा सकता। तीसरी बात मेरे मौला अली ने फरमाया फिर मरने के लिए तैयार हो जा। इतना बड़ा जुमला सामने मरहब है, फरमाया मरने के लिए तैयार हो जा। उसने समझा ये छोटा सा बच्चा मुझे ललकार रहा है, ये मुझे इतने बड़े पहलवान को ये कह रहा है, पर वो ये बात समझता था पहली किताबों में लिखा हुआ था कि इस किले को जो फतह करेगा उसका नाम अली बिन अबी तालिब होगा, इसके दरवाजे को जो उखाड़ेगा उसका नाम अली बिन अबी तालिब होगा। शाने पहली किताबों में भी मौजूद है, अल्लाह के कुरान में भी मौजूद है, मेरे मुस्तफा के फरामीन में भी मौजूद है। अब मौला अली पाक ने लंबा उसे मौका नहीं दिया, जब वो बंदा अब खुद और करो, सामने दुश्मन है, अल्लाह का भी दुश्मन है, रसूलुल्लाह का भी दुश्मन है, दीन का भी दुश्मन है, इस्लाम का भी दुश्मन है, मेरे नबी की तहजीब का भी दुश्मन है, तहजीब का भी दुश्मन है, तमद्दुन का भी दुश्मन है, मक्के का भी दुश्मन है, मदीने का भी दुश्मन है। इतना बड़ा दुश्मन सामने मौजूद है, मौला अली पाक का ये फरमान, फरमाया मैं दुश्मन खुदा
सीरत में आता है सिर्फ एक बार उसने किया, इतना शदीद वार था कि मौला अली पाक ने यूं अपनी ढाल पे लिया, ढाल कट के सर नीचे तक गया। दूसरी बार आपने यूं शेर की तरह पलट के हमला किया कि मरहब को यूं सर की चोटी से लेकर पांव की एड़ी तक काट के दो टुकड़े कर। एक बार में मौला अली पाक ने काट के दो टुकड़े कर दिया और बता दिया कि जब हम अपनों में होते हैं तो हमसे ज्यादा नरम कोई नहीं होता, और जब मैदान में आ जाए दुश्मन सामने हो फिर हमसे बड़ी कोई चट्टान नहीं कहला सकता। अल्लाह ताला हमें कुरान की मोहब्बत भी अता फरमाए और मौला अली पाक की मोहब्बत भी अता फरमाए, हमें सहाबा की मोहब्बत भी अता फरमाए, आले बेद की मोहब्बत भी अता फरमाए। दुआ करें हमने किसी दूसरे की कब्र में नहीं जाना, हालात आप सोशल मीडिया पे देखते रहते हैं, कोशिश करें कभी किसी की तहरीर से, तकरीर से, अंदाज से इंस्पायर होके कभी कुछ गर्द अगर ऊपर आ गया है तो फिर फौर उसको झटके, क्योंकि कब्र में अकेले जाना है और कब्र में उसका सामना करना है जो नबियों का भी इमाम है। उन्होंने ये शानें बताई हैं, इसलिए बगैर आले बेद की मोहब्बत के ना कुरान मिलता है, ना मुस्तफा मिलते हैं, ना खुदा मिलता है। अल्लाह ताला आपका आना कबूल फरमाए, मैं सबका ये अमल सबसे लेकर आखिर तक माशाल्लाह अली भाई तशरीफ आए, सिकंदर भाई आए, एकदार शबीर साहब आए, जमील भाई है, बहुत सारे अहबाब है माशाल्लाह, अलवी साहब तशरीफ लाए, रजाकर शाह जी है, अनवर शाह जी है, मुफ्ती अहमद अब्बास साहब है, और मैं खादिम साहब का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने अल्लाह के कुरान को मोहब्बत से सुनाया। सना खाना में रसूल है, कारी जादे सलीम साहब है, काशान भाई है, और माशाल्लाह नसीर अहमद फारूकी साहब है, अल्लामा इरफान साहब है, अल्लामा मीर उकास साहब है, बहुत सारे नाम है पहले भी अर्ज कर चुका, और मस्जिद के इमाम मजाज शाह साहब है, और खतीब आपके अल्लामा उमर जई साहब है, बहुत सारे अहबाब जितने भी तशरीफ लाए अल्लाह ताला सबका नाम कबूल मंजूर फरमाए। आप अपनी अपनी जगह पे खड़े होते हैं, दुरूद सलाम।